भगवान शिव शंकर के देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में कई प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास रामायण महाभारत से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक मंदिर भोलेनाथ का देव मूवी उत्तराखंड में भी स्थित है, जिसमें खास बात यह है कि शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती है। आइए इस वीडियो के माध्यम में आपको इसकी खूबसूरती दिखाती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज संडे के दिन शाम के टाइम हम लोग जा रहे हैं बाहर, दादू नहीं जा रहे, हम लोग सब जा रहे हैं, आंटी भैया और हम लोग मस्जिद में और नाइशा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और बाकी सब निकल चुके हैं। दादू बोल रहे मुझे नहीं जाना। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक अच्छी अच्छी जगह पर जा रहे हैं, आप लोग शेयर करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वो लोग पहुंच चुके हैं मंदिर। कौन से मंदिर आए हम लोग बताते हैं, मैं बताती हूँ आपको। टपकेश्वर मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। मैं फर्स्ट टाइम सचिन तो पहले आए हुए थे, हम लोग ये है कि लोग आए हुए हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी। तो चलिए चलते हैं, आपको शिव जी भगवान के दर्शन करवाते हैं। गाइस यहाँ से जाना है अंदर, यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे अंग्रेज लोग भी आए हुए। यहाँ का नज़ारा कहाँ पे लेना है, हैं? राइट साइड ले लो। तो पहले नीचे को जा दो ना। हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने, भोग लेने, फिर चलते हैं अंदर। इधर ले लो सामने। टपकेश्वर ले लो। तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे लिखा है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो अब यहाँ से हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो ये देखिए कितने सारे लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। मेरा शूज सबमिट करवा रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं अंदर। स्टेयर लगी हुई है, ये है मंदिर, भोग लिया हम लोगों ने। कहाँ से है? हाँ जी, पहले इस मंदिर जाते हैं। अच्छा, हम उस दिन मंदिर गए थे, फिर गए थे हम, पहले हनुमान जी की मूर्ति इधर से गए थे, सारे घूम के हम आ गए थे। कैसे होता है, मैं भूल गया। जैसे ही होता है चलो। अच्छा ये प्रसाद ले लीजिए, 50 का प्रसाद है, सिंगार और माला साथ में आई है। इनके पास ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे। देखो नीचे क्या, देखो नीचे पानी, ओ कलेनी, ओ कलेनी, इसमें जाते थे लोग किस काय के लिए खेलने। देखो नीचे, वो जो मैं बोल रहा था तुम्हें अभी दिखा रहा हूँ। हाँ टूट चुका होगा ना।
गुफा गए। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं भोलेनाथ की गुफा में। यहाँ पे पहले शुरुआत होती है भैरव बाबा से। यहाँ पे पहले भैरव बाबा की तस्वीर लगी हुई है। ये गुफा नेचुरली बनी हुई है, ये कोई बनावटी गुफा नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको भी भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे फोन ले जाना कैमरे अलाउड नहीं है, पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लिप बनाई है। तो चलिए यहाँ पे साफ भी करें, आप देख सकते हो जो ऊपर चट्टान है इससे पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती है। तो यहाँ पर श्रद्धालु बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, तो देख सकते हो आप। और यहाँ पे जो ये गुफा है इसमें आप सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो थोड़ा झुक के खड़े रहना होता है। तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी, इसलिए हम लोग राम राम से आगे की तरफ निकल रहे थे। जो यहाँ पे शिवलिंग है उसके ऊपर लगातार पानी की बूंदें गिरती रहती है। तो कहा जाता है कि पहले इस पे दूध की धारा गिरती थी, कलयुग में अब ये पानी का रूप इसने धारण कर दिया है। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य महाभारत के इसमें गौरव और पांडवों के गुरु का निवास स्थान था। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां ने दूध नहीं पिलाया था, तो इसीलिए भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। और भगवान शिव ने इस गुफा में किए गुफा की छत पर गौ धन बना दिया था और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी। पर जब जैसे जैसे कलयुग आता गया उस समय इस धारा में पानी का रूप धारण कर लिया, इसीलिए इसमें यह पानी लगातार गिरता रहता है। तो उसके बाद हम लोगों ने अंदर आके शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाकर हम लोग अंदर आ चुके थे गुफा में। तो गुफा इस तरह से अंदर यहाँ पे बहुत सारे माता की फ़ोटो है, शिव जी का है, और बहुत अच्छा अच्छा है अंदर। अगर आप लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हो घूमने देहरादून, तो प्लीज़ इस जगह पे ज़रूर ज़रूर विज़िट करें। ये बहुत अच्छी जगह है बहुत घूमने के लिए, और मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है यहाँ आकर। तो जो अश्वत्थामा का जन्म स्थल है मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे शिव जी भोलेनाथ की फ़ोटो लगी हुई है और मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पे सारे लॉक करे हुए, यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते। जो आप चढ़ावा देते हो वो बाहर से भेंट करना होता है। ये है जन्म स्थल जो मैं आपको दिखा रही हूँ अश्वत्थामा का, जहाँ पे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। तो ये भी बंद है, अंदर आप इसमें नहीं जा सकते, ये सारा लॉक हुआ हुआ है। तो बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ से, मंदिर गुफा बहुत अच्छी है। आगे आगे आप वीडियो में देखोगे वैष्णो देवी माता की गुफा भी है। ये माता की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे हम लोग माथा टेक रहे हैं अपना। और तो गाइस मैं आपको दिखाऊँ इतना सुंदर मंदिर है ना, इतनी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम आया हमें गुफा है अंदर, और अश्वत्थामा का जन्म स्थल है ये। मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगी इसकी। और ये मंदिर पूरा गुफा में बना हुआ है। अभी तो हम लोग एक मंदिर आए, इसके बाद और क्या पेंट करो इसके ऊपर, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं पानी को, ठंडा ठंडा मिल रहा होगा ऐसी गर्मी में। छोटा सा बच्चा कैसे खेल रहा है, पेंट करो इसके ऊपर। कहाँ जा रहे हो इतने पानी में तुम लोग?
बैठ जाओ ना है। यार वो कहाँ है, आ ही नहीं आज। बाढ़ आई थी तो इतना इतना पानी देख रहे हो, ऊपर ऊपर तक इतना पानी आया था इसमें। और यहाँ पे पहले पुल भी होता था, वो भी डूब गया। यहाँ पे सेंटर में पुल होता था, वो शायद से यहाँ पे उन्होंने निकाल दिया। या और ऐसा कैसे मजे कर रही है पानी में। चले भैया बाद में आएंगे आंटी, चले पहले वहाँ चलते हैं ना, फिर वापस आएंगे यहाँ पे। लोग कैसे इंजॉय कर रहे, बच्चे कितना मजा कर रहे हैं। गाइस हम लोग वहाँ से आ गए वापस, पानी जो वहाँ पे पानी से बहुत मस्ती कर रहे थे लोग। अब आए हम लोग, यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति है यहाँ पे, और माता वैष्णो देवी की गुफा है, और संतोषी माता जी का मंदिर। हम लोग इन मंदिरों में जा रहे हैं। अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और इतना ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। महाब्रह्म काली संध्या सिद्ध शक्ति पीठ, ये मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। चल जाएंगे ना यहाँ से हम लोग, पहले उस गुफा पे चलते हैं फिर वापिस आएंगे वहीं पे। गाइस मैं आपको क्या पता, इतना सुंदर मंदिर है, इतना ज़्यादा सन मन को शांति मिली। दादू होते तो बहुत मज़ा आता है, दादू नहीं आए पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे हर चीज़ में गुफा बनी है छोटे छोटे, ये बिल्कुल बनावटी मंदिर नहीं है, खुद बना हुआ मंदिर है। ऐसा लग रहा है कि बनावटी नहीं है ये, जिस मंदिर को बना के करते हैं। तो बहुत सी फीलिंग आ रही है वहाँ आके। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। गुफा जिसपे हम लोग को झुक के जाना पड़ रहा है। तुम्हें बैठ के जाना पड़ रहा है, ऐसी गुफा है जिनका बीपी हाई और लो वो ना आए इसमें। ये है संतोषी माता, ये देखिए आए संतोषी माता। हाँ लोग वापिस आ चुके हैं, और इस पानी में ना सुखाना था फिर से। और इसके कपड़े दिखाओ तो, देखो तो इसकी हालत, इसके कपड़े देखो तो, यहाँ तक पूरा ऊपर तक गीला कर दिया। कैसे बैठेगी गाड़ी पे, ठंड लग रही है, कैसे मजे आए, मजे आए फिर लग नहीं नहीं मैं भी चल रहा हूं। नहीं नहीं हम ऊपर आ रहे हैं, इसको ऐसी पानी पे रहना है। चलो 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 थोड़ा ये पकड़ो। तो चलिए अब चलते हैं अपने घर, इसको फिर से जाना है उस पे। चलो 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 पैक सब पैक, टी टॉप पैंट कितने बुरे। आना सचिन पीछे को आ जाएगी, ये धक्का लगेगा नीचे। चलो वे चलो 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 मजा नहीं करना, मजा आ रहा तो घुमाइए। तो चलिए चलते हैं अब अपने घर। यहाँ से लिफ्ट, ये लिफ्ट है ना, मुझे नहीं लिफ्ट है, इकाए के लिए लगी हुई है लोगों के लिए। जो लोग चल नहीं सकते ना सीढ़ियाँ, उनके लिए लिफ्ट लगी हुई है, सीधी पार्किंग में जाती है लिफ्ट। कैसे लगा आपको मंदिर अनायशा, आपको कैसे लगा अनायशा, कैसे भेजी काली मेरे आंटी, तो फर्स्ट टाइम आए देहरादून में रहते। और भैया और सचिन आगे चले हुए, और हम लोग ने शूज वगैरह ले लिया अपने, गिल्ली अनायशा तो बिल्कुल गिल्ली हो गई है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर, और यहाँ पे आरती उरती हो रही है। हे गाइस, तो कल की वीडियो का एंड करना मैं भूल ही गई, क्योंकि जैसे हम लोग पहुँचे तो लाइट भी नहीं थी, और जब लाइट आई तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, हम लोग इतनी ज़्यादा गर्मी थी अंदर, तो वीडियो एंड करना ही भूल गई। तो वहाँ जाकर मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आई और इतना ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं तो और जाना चाहूँगी वहाँ पे। मैं तो ये, अगर आप लोग देहरादून घूमने आओ, अगर देहरादून से हो तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर जाना, तो बहुत अच्छा। वहाँ पे दूर दूर से आते हैं लोग घूमने के लिए, और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है देहरादून का, बहुत फेमस मंदिर है। तो मैं फर्स्ट टाइम गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुफा है, शिव मंदिर की, शिव की गुफा है, और एक वैष्णो माता की गुफा है,
और वहाँ जाकर इतना ज़्यादा अच्छा लगा, वहाँ पे नेचुरली चीज़ देखने को मिली, क्योंकि वो जो गुफाएं हैं वो नेचुरल बनी हुई है, मंदिर नेचुरली बना हुआ है, कोई बनावटी चीज़ नहीं है। और जो शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंदें आ रही है वो तो देखने लायक है। तो प्लीज़ आप जरूर वहाँ जाकर विज़िट करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के माध्यम मैंने आपको जो बताया, अगर कुछ गलती हुई होंगी तो मुझे माफ़ करना, जितना मेरे पास मेरे से हो पाया मैंने अपना शेयर करा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं था। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना, जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।